ये है वक्त मीडिया। कि और आगे शरीयत का लिखा यूं ही रहेगा, और आगे शरीयत का लिखा यूं ही रहेगा, और आगे शरीयत का लिखा यूं ही रहेगा, ये तर्ज वफा रंगे वफा यूं ही रहेगा, ये तर्ज वफा रंगे वफा यूं ही रहेगा। अल्लाह के कानून में तरमीम न होगी, अल्लाह के कानून में तरमीम न होगी, अल्लाह का कानून सदा यूं ही रहेगा। अल्लाह के कानून में तरमीम न होगी, अल्लाह का कानून सदा यूं ही रहेगा, अल्लाह का कानून सदा यूं ही रहेगा। और ये भी मिसरे पढ़ती हूँ, कैसे कैसे हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं। मैं पेश करती हूँ आपकी आवाज बनकर, आपकी दुआ चाहती हूँ कि औरत को नेक नाम किया, औरत को नेक नाम भी इस्लाम ने किया, औरत को नेक नाम भी इस्लाम ने किया, पर्दे का एहतमाम भी इस्लाम ने किया, पर्दे का एहतमाम भी इस्लाम ने किया, हुक्मे औरत का एहतराम भी इस्लाम ने किया, औरत का एहतराम भी इस्लाम ने किया, औरत का एहतराम भी इस्लाम ने किया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी दुआएं मुझे नसीब हुई। अब मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी इसलिए मैंने ये मिसरे पढ़े। मैं पेश करती हूँ, सुने कि तुझे आरजू थी जिसकी, तुझे आरजू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। शायरी सुन रहे हैं तो मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ टूटा फूटा आपको सुनाऊँ। तुझे आरजू थी जिसकी, वही प्यार ला रही, मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। तुझे आरजू थी जिसकी, वही प्यार ला रही हूँ। एक शेर सुनाती हूँ, इस मुशायरे का मकसद, इस मुशायरे का मिशन। मैं एक शेर बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ती हूँ, मैं चाहती हूँ अपने कर्म फरमाओं की और आप सब की, कि मुझे देखना है किससे मेरा शेर होगा रोशन, मुझे देखना है किससे मेरा शेर होगा रोशन, मुझे सभी सीनियर्स की दुआएं, आप सब जो मेरे लिए काबिले एहतराम है, मैं पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा कि आपने दुआ दी। मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, वो जिसकी,
वही प्यार रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाहजा कीजिए, मैं पेश करती हूँ। जो पढ़ना है वो गिर गया। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ, आप सब मुझे सुनने के लिए आपकी दुआएं मुझे नसीब हो रही है, मैं पेश करती हूँ। मुलाहजा करें, बहुत कुछ सुनाना है लेकिन वक्त कम है। जितना वक्त मिला मैं हाजिर हूँ आपके खिदमत में। मुलाहजा करें, देखें। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है आप क्यों परेशान है। मैं पेश करती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। बतौर खास कुछ हुक्म है तो मैं पेश करती हूँ। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चिरागों से बहुत शुक्रिया। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बिल्कुल ताजा मिसरे में पेश करती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा क्या कहना कि बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, समझदारी इसी में है। सुने, बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, समझदारी इसी में है। जमीन पर ही कदम रखना, समझदारी इसी में है। जमीन पर ही कदम रखना, समझदारी इसी में है। संभाल उसे, नाराज मत करना, समझदारी इसी में है। उसे नाराज, ये बड़े सलीके से आप हमसे हामी भरवा रही है। बाबा क्या कहना है, क्या बात, शुक्रिया। वाह, अच्छा लगा कि आपने मुझे दुआएं दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, समझदारी इसी में है। मैं बिल्कुल ताज़ा ताज़ा शेर सुना रही हूँ, क्योंकि हर बार आती हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल ताज़ा सा बिल्कुल सुनाओ, और वो भी सुनाओ जिसके लिए हुक्म होता रहे। बहुत ऊंचे नहीं उड़ना, समझदारी इसी में है। जमीन पर ही कदम रखना, समझदारी इसी में है। जमीन पर ही रखना, समझदारी इसी में है। संभाले जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा गम, तुम्हारा घर, संभाले, नाराज मत करना। बहुत शुक्रिया। समझदारी इसी में है। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश करती हूँ चार मिसरे, मैं बिल्कुल मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी से पढ़ लूँ, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर शोरा को अपना कलाम पढ़ना है। प्यार मेरा नजरअंदाज नहीं करता है, प्यार मेरा नजरअंदाज नहीं करता है। हाँ मगर वो मुझे हमराज नहीं करता है। हाँ मगर वो मुझे हमराज नहीं करता है। चाहते दोनों है नफरत के अंधेरे मिट जाए,
मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, बस मुझे भी नहीं आऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए हुक्म है, इजाजत दे दें तो मैं वही गजल पढ़ूं, अपनी मर्जी से न पढ़ूं, बहुत अपनी मर्जी से पढ़ लिया मैंने, पेश करती हूं। मुलाहजा करें, देखें कि लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। अब आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने हुक्म दिया है, इसलिए मैं उस गजल को मैं आपकी खिदमत में पढ़े हूँ। लौट आओ भुला खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। शहर सजने लगा ईद आने को है, शहर सजने लगा मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। ईद आने को है, शहर सजने लगा मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ बुला कर खताएं मेरी। मैं पढ़ती हूँ, जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत रहता है दिल आदमी, जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत रहता है दिल आदमी, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो। ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो। क्या कहा ये न मिट पाएंगे, क्या कहाशनी अब न हो पाएगी, क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी। देख दिल का उजाला चराहों को मैं, देख दिल का उजाला चराहों को मैं, रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो। दिल का उजाला चराहों को मैं, रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो। जहां जहां तक ये काबिल कदर समाते हैं सभी मेरे लिए काबिल एहतराम है। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ आज के लिए, मसरूफ जिंदगी, एक औरत का कर्ब, एक औरत का दर्द, और आज का ये बिजी शेड्यूल, एक औरत का क्या दर्द है, मैं पेश करती हूँ। कि वो जुनून क्या हुआ, वो जुनून क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं,
वो जुनू क्या हुआ वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी बिनाने की फुर्सत नहीं। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो। बहुत बहुत शुक्रिया। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो। शेर मुलाहजा करें, मैं पेश करती हूँ कि दूसरों को बुरा, दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो। अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो। और सब यहाँ पर है अपने पराए नहीं, और सब यहाँ पर है अपने पराए नहीं, और अपनों से कुछ भी छुपाते नहीं। जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, वो गजल भी सुना दूं अगर तुम। क्या कहना है, क्या कहना है? हाँ, हमारे सीनियर शौरा को पढ़ना है, प्रोग्राम में भी करना लाजमी है। मैं सीधे सीधे दो तीन शेर जी चाचा आप बैठ जाइए। चलिए चाचा की तरफ से तो अब आप भी बैठ सकती है। क्या करूँ, मैं देख रही हूँ भतीजी को बहुत ज्यादा दुआएं दे रहे थे, तो मुझे चचा नहीं होंगे जितने दुआएं दे रहे, मैं हाजिर उसी को पढ़ दीजिए। तो खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है, आपकी जिम्मेदारी। खामोश लब है झुकी दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। लब है बाहर का आज पहला दिन है, चलो और दुआएं देते हैं, मैं वो शेर आपको सुनाती हूँ जो बहुत वायरल हुआ है इन दिनों, आपकी दुआएं मिली मैं शेर पढ़ती हूँ। जो खानदानी रही
शेर और सुनाती हूँ जिसमें मैंने अपने कुछ शायरों को शरीक किया है, आपकी दुआ चाहती हूँ और ये शेर पेश करती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आपकी बैठे हो पहली सफ में। बहुत अच्छा। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें वक्त मीडिया, लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286।